एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। से कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया, उम्मीद करती हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्रिएट किया मैंने ये वाला गरबा लुक, होप आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगेगा। इसमें मैंने ब्लू स्मोकी आई लुक क्रिएट किया, जैसे कि मेरे इस लहंगे में ब्लू है तो इस वजह से मैंने ब्लू कलर को यूज़ किया है और प्रॉपर मैंने नथ भी पहनी हुई। आप लोग बताना मुझे कि कैसा लग रहा है ये वाला लुक, होप आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लगेगा। तो या अभी ज़्यादा वादे नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपना स्किन केयर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं लेकिन स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो चीज़ यूज़ करते हो आप वही चीज़ यूज़ करो। जैसे मैं टोनर और सीरम यूज़ करती हूँ, देन मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ या कभी कभी मॉइस्चराइज़र नहीं भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं टोनर और मॉइस्चराइज़र के बदले मैं सीरम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड की कंसीलर के साथ अपने पूरे आईलिड को प्रेप कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज एक बहुत ज़्यादा हैवी आई लुक करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं गरबा नाइट वाला मेकअप लुक कर रही हूँ, तो मैं बहुत हैवी आई मेकअप रखूँगी। तो सबसे पहले मैं एक ये ब्राउन शेड लेके अपने पूरे आईलिड पे लगाऊंगी, बिल्कुल तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। जैसा कि आप देखोगे बिल्कुल मैं ऐसे कलर लूँगी और पैट करते जाऊँगी अपने क्रीज लाइन पे। आपको एक क्रीज बिल्डअप करनी है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करना। देन आपको लेना है एक काजल जो कि ब्लू कलर का, ब्लैक भी ले सकते हो, जो भी आप कलर अप्लाई कर रहे हो उसका बेस आपको चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे क्रीज एरिया पे ये कलर अप्लाई करूँगी काजल, और उसे एक स्मजर ब्रश के साथ स्मज कर दूँगी। देन यहाँ पे मैं एक ब्लू कलर का शिमर आई शेडो लूँगी और उसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। आप ये वाला लुक यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लुक चाहिए था। तो ये SFR का मिनिएचर पैलेट है, इसको मैंने एक बार पहले यूज़ कर लिया। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बहुत पहले एक बार इससे ट्राई किया था, बहुत अच्छे वाला पैलेट है। उससे मैं उसमें से ये शेडो लेकर और इसमें मैं पैट कर दूँगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर लग रहा है। ज़्यादा हैवी है लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं। आपने देखा बहुत आसानी से मैंने ये वाला लुक क्रिएट कर लिया। देन यहाँ पे मैं आई लैक्मे की क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गई, हाँ आई लाइनर लूँगी और इससे मैं अपने आई को लाइन करूँगी बिल्कुल बिल्कुल नीचे, एकदम लैश लाइन के क्लोज क्लोज, जस्ट एक शैडो की तरह। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये NYBAE का प्राइमर पूरे फेस पे टी जोन पे, और अच्छे से इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फिट मी का आज फाउंडेशन, क्योंकि आपको एक ऐसा फाउंडेशन चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर आप गरबा के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग प्लस एक हाई कवरेज, मीडियम टू हाई कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए। तो आप ये वाला चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट वाला फाउंडेशन है। मैं आज इसे डबल अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी कवरेज ज़्यादा चाहिए और ब्यूटी ब्लेंडर से आपको कवरेज उतनी नहीं मिलती है। अगर आप ब्रश के साथ कर रहे हो तो आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हो तो आपको थोड़ी कवरेज कम मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो अब मैंने दो बार अप्लाई किया एंड मुझे फुल कवरेज वाला मिल गया इफेक्ट इसी के साथ। देन यहाँ पे मैं कंसीलर स्टिक लूँगी और अपने पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका फेस बिल्कुल चिजर्ड लगता है इससे और बिल्कुल आपके फेस को एक फ्रेम मिल जाता है। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे एक तरफ मैं ब्लेंड करूँगी और एक तरफ अभी नहीं करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अलग, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है फेस आपका। तो जैसे मैं ब्लेंड करते जाऊँगी वैसे वैसे आपको मेरे फेस पर एक स्ट्रक्चर दिखते जाएगा। सी अभी मैं एक साइड जस्ट ब्लेंड करूँगी और दूसरे साइड में बाद में ब्लेंड करूँगी, तो अभी आप देख सकते हो सी द डिफरेंस गाइज। आप बिल्कुल देख सकते हो कि मेरा एक साइज बिल्कुल फ्रेम दिख रहा है। देन यहाँ पे मैं उसे पूरे फेस को इस लैक्मे की कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लूँगी। सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रीजिंग हो जाएगी और फिर सारा मेकअप आपका निकल जाएगा। देन यहाँ पे मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ब्लश लूँगी और इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, पूरे फेस पे नहीं चीक्स पे। आप चाहो तो यहाँ चिन एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो ब्लश को, आजकल ट्रेंड में। देन यहाँ पे मैं ये वेट एंड वाइल्ड की हाईलाइटर को लूँगी और अपने पूरे फेस पे एज यूजुअल, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ हाईलाइटर लवर, तो मैं पूरे फेस पे अच्छे से हाईलाइटर लगा लूँगी। देन यहाँ पे मैं
आईब्रोज को फिल कर लूँगी, NYB की आईब्रो की पेंसिल है, और देन मैं इसे एक स्पूली के हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड ज़रूर कर लेना क्योंकि फिर वो हर्ष लाइन देखने लगता तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। देन यहाँ पे मैं सेम काजल लूँगी, एक ये NYB की काजल भी है, ब्लू कलर का क्लास काजल है जो मैं अपने बेस के लिए मैंने अप्लाई किया था, और देन उसे एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से स्मच कर लूँगी एंड यहाँ मस्कारा लगा के मेरा आई लुक कम्प्लीट हो जाता है। ये रही नायका की रेड लिपस्टिक है, बहुत बहुत अच्छा वाला लिपस्टिक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये वाला लिपस्टिक मुझे लगाना चाहिए या नहीं, देन फिर भी मैंने लगा लिया। आपको जो लिपस्टिक अच्छा लगता है आप वो वाला यूज़ कर लो। देन यहाँ पे मैं कंसीलर लगा के इसे थोड़ा सा सेट कर रही थी ताकि जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है वो कम हो जाए। उसके बाद ये रहा मेरा सेटिंग स्प्रे और यहाँ मेरा लुक कम्प्लीट हो जाता है। दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। यू गाइज कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाला लुक? अगर आप लोगों को ये वाला लुक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।